आई दोस्तों, आज की करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। 19 अप्रैल पहला क्वेश्चन होगा, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को किसने लॉन्च किया? तो प्रोबा 3 मिशन है जो कि लॉन्च किया है इसरो ने, किस रॉकेट से? PSLV-XL रॉकेट से। और यह जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, और यह जो है किस लिए लॉन्च किया गया? सूर्य के अध्ययन के लिए। इसमें जो है सोलर क्रोनोग्राफ सिस्टम लगाया गया है सूर्य के अध्ययन के लिए। रोसकॉस्मोस रूस की एजेंसी है, नासा अमेरिका की एजेंसी है, इसरो भारत की एजेंसी है। इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई थी, और उसका हेडक्वार्टर जो बेंगलुरु में स्थित है, और इसके हेड जो है एस सोमनाथ जी हैं। और इसका लॉन्चिंग केंद्र कहां पर है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, और दूसरा कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में स्थित है। आदित्य 11 की बात करें तो PSLV-57 से इसको लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। एक्सपोसेट और POEM-3 इन दो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया PSLV-58 रॉकेट से। इनसेट 3D जो कि मौसम संबंधित उपग्रह है, तो इसको लॉन्च किया गया GSLV-F14 रॉकेट से। और चंद्रयान-3 की बात करें तो Alien-3 M4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया, 23 अगस्त को यह अब चांद के साउथ पोल पर पहुंचता है, और इसलिए जो है 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। और जहाँ पर यह पहुंचा है उसे शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं, लैंडिंग पॉइंट। और इससे पहले चंद्रयान-2 चांद पर गया था, तो वह क्रैश हो गया था, तो उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट कहते हैं। चंद्रयान-3 में जो लैंडर है उसको विक्रम कहते हैं, और जो रोवर है उसको प्रज्ञान कहते हैं। PSLV की बात करें तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग में जो 4 चरणों में होता है, इसके सबसे नीचे सॉलिड फ्यूल होता है, उसके ऊपर लिक्विड फ्यूल होता है, उसके ऊपर सॉलिड, उसके ऊपर लिक्विड फ्यूल होता है। और GSLV जो होता है जियो सिंक्रोनाइज सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो कि 3 चरणों में होता है, सॉलिड फ्यूल होता है, उसके ऊपर लिक्विड फ्यूल होता है, उसके ऊपर जो है क्रायोजेनिक इंजन लगा रहता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो बिस्किट यात्रा महोत्सव नेपाल में आयोजित हुआ है, जो कि भैरव और भद्रकाली के रथ खींचने से संबंधित है, और इसमें जो है नाग की मृत्यु का प्रतीक है। यह फेस्टिवल जो है नाग की मृत्यु का प्रतीक है। धनु यात्रा फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया जाता है, श्रीकृष्ण और मामा कंस की कहानी है इसमें। मेदराम यात्रा जो है तेलंगाना में फेस्टिवल है। डोल यात्रा जो कि पश्चिम बंगाल का त्यौहार है, और नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और यहीं पर जो है साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन दक्षेस का हेडक्वार्टर है, और इसमें नेपाल जो है 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। त्यौहारों का त्यौहार हॉर्नबिल त्यौहार कहते हैं। यह देशभक्ति त्यौहार होता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है और नागालैंड में मनाया जाता है। फूलों का त्यौहार बथुकम्मा फेस्टिवल होता है, जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल जो कि झारखंड में मनाया जाता है, चापचारकूट या चिरऊ या फिर बम्बू डांस कहते हैं, जो कि मिजोरम में मनाया जाता है। सिगमो फेस्टिवल जो कि गोवा में मनाया जाता है। हैरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि से संबंधित है। अंडूरी फेस्टिवल और मक्खन फेस्टिवल जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है। और रथ मंदिर जो कि कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। इसे जो है रथ मंदिर को सप्त पैगोड़ा मंदिर भी कहते हैं। और गोल्डन पैगोड़ा देश किसे कहते हैं? तो वो म्यांमार को। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण किसने कहां पर किया? तो डीआरडीओ और भारतीय इंडियन आर्मी ने मिलकर MPATGM इसका जो सफल टेस्टिंग की है पोखरण राजस्थान में। इसका फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि युद्धपोत में जो टैंक होते हैं उनको नष्ट करने की मिसाइल है, और जो कि चाहे दिन हो चाहे रात हो 24/7 यह काम करती है। डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। इसके हेड जो है समीर कामत जी हैं, और इसके सर्वप्रथम हेड कौन थे? तो दौलत कोठारी जी थे। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो बलत से मूलम इसका विज्ञानम। और अगला क्वेश्चन, ITCM का सफल परीक्षण कहाँ पर हुआ? तो चांदीपुर उड़ीसा में हुआ, जिसका फुल फॉर्म है स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल। मिसाइल की बात करते हैं तो मिसाइल 2 प्रकार की होती है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्टाइल मोशन में गति करती है, जमीन से ऐसे चलती है, ऊपर की ओर जाती है, फिर नीचे की ओर अपने टारगेट पर हिट करती है, और यहाँ पर 30 डिग्री कोण बनता है, और इसे ही जो है प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसमें कौन कौन सी मिसाइल है? तो अग्नि है, पृथ्वी, आकाशीय, सभी मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल है। और क्रूज मिसाइल क्या होती है? तो क्रूज मिसाइल जमीन के समांतर चलती है, यह जमीन होगी इससे समांतर चलती है और फिर ऐसे अटैक करती है। इसमें कौन कौन सी मिसाइल है? ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और निर्भय मिसाइल जो कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। 5 मैक से स्पीड इसकी कम है, और यह जो है क्रूज मिसाइल जो है फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। अगर टारगेट
इधर उधर लोकेशन की चेंज भी होती है तो वह जो है टारगेट पर ही हिट करेगी, इसलिए इसे फायर एंड फारगेट मिसाइल कहते हैं। मिसाइल दिव्यास्त्र को किसने कहा है, तो अग्नि फाइव जो हमारा जो मिसाइल है अग्नि फाइव, उसमें जो है MIRV तकनीकी लगाई गई है मल्टी टारगेट को हिट करने के लिए तकनीकी है। समर की बात करते हैं तो यह हमारा भारत का एयर डिफेंस है जो कि जिसमें कि आकाश मिसाइल लगी, इसका फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर मिसाइल SAO रिटेलिएशन। S-400 या ट्रायम्फ कहाँ की एयर डिफेंस है, रसिया का एयर डिफेंस है, और थार जो है अमेरिका का एयर डिफेंस है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया, तो UAE में, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात, और इसकी जो राजधानी है अबू धाबी है, और इसकी मुद्रा दिरहम है। यह खाड़ी देश है, यहाँ पर जो है ड्राई और हॉट क्लाइमेट रहता है, सूखा और गर्म जो है पर्यावरण रहता है, और इसके कारण यहाँ पर जो है एक साल में 3 इंच बारिश होती है, लगभग 3 इंच बारिश होती है एक साल में। और UAE जो है 7 रियासतों से मिलकर बना है, अबू धाबी, दुबई, अजमान, अल कुवैन, फुजैरा, रस अल कैमा और शारजा। इसमें यह जो है अबू धाबी फेमस, UAE फेमस किस लिए है, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फेमस है। और सब बिजनेस इस एयरपोर्ट कौन कौन से हैं, तो अटलांटा एयरपोर्ट जो कि अमेरिका का है, दूसरे नंबर पर दुबई का है, और दूसरे नंबर पर भारत का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। और यहाँ पर बाढ़ के 3 कारण कौन कौन से हैं, तो एक साल में 3 इंच बारिश होती है, लेकिन जो है 12 घंटे में 6 इंच बारिश हुई है, जो कि 2 साल की बारिश एक साथ हुई है। और दूसरा कारण है ड्राई हॉट क्लाइमेट रहता है, इसलिए जो है यहाँ पर जो है जल निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा अधिकतर सूखा और गर्म पर्यावरण रहता है, इसलिए पानी की कोई गुंजाइश रहती नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए जल निकासी जो व्यवस्था अच्छी नहीं है। तीसरा कारण क्या है, तो क्लाउड सीडिंग मतलब आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन में क्या होता है, जैसे बादल होते हैं उसके ऊपर जो है वायुयान से जो है AGI या फिर ठोस CO2 इसका जो है छिड़काव किया जाता है बादलों पर, जिसके कारण बादल जो है अपना जो पानी होता है उसको नीचे बारिश के रूप में छोड़ देते हैं, इसे ही कृत्रिम वर्षा करते हैं, और इस क्रिया को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। और यह जो है AGI सिल्वर आयोडाइड या फिर ठोस CO2 इसको जो छिड़काव करने से जो है बादल की जो नमी मात्रा हो जाती वह बढ़ जाती है, इसलिए जो है पानी की होल्डिंग कैपेसिटी वह कम हो जाती है, इसलिए पानी जो है नीचे आ जाता है बारिश के रूप में। AG की बात कर लेते हैं, सिल्वर इसमें किस कौन कौन से तत्व हैं, AgNO3, AgI, AgCl, AgBr, इसे सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। यह चुनाव स्याही के रूप में प्रयोग की जाती है। AgI सिल्वर आयोडाइड है, यह आर्टिफिशियल रेन के रूप में प्रयोग किया जाता है। AgCl यह सिल्वर क्लोराइड है, इसे हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। और AgBr यह सिल्वर ब्रोमाइड है, इसे फोटोग्राफी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज आयोजित करने की घोषणा किसने की है, तो विक्टस हेज अभ्यास चूंकि अमेरिका की स्पेस फोर्स अंतरिक्ष जो सेना है उसके द्वारा की गई है, और अंतरिक्ष में होने वाली है पहली एक्सरसाइज अंतरिक्ष में होगी। कोप इंडिया और टाइगर ट्रंप और वज्रपात यह कहाँ कहाँ पर होते हैं, भारत और अमेरिका के बीच में होते हैं, और भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इन देशों को मिलकर क्वाड कहते हैं, और यह जो एक्सरसाइज होती है मालाबार एक्सरसाइज के रूप में जानी जाती है। वायु शक्ति एक्सरसाइज तो 2024 में राजस्थान के पोखरण में हुई, इसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया, जल, थल और वायुसेना ने भाग लिया है। मिलन नौसैनिक एक्सरसाइज विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई है, इसमें नौसेना ने भाग लिया है, कई देशों की नौसेना ने। साटा टंसिक एक्सरसाइज कहाँ पर होती है, तो भारत और सऊदी अरब के बीच में होती है, और भारत और सऊदी अरब के बीच में अलमोहद अल हिंदी एक्सरसाइज भी होती है। खंजा एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान के बीच में होती है। दस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। कजाकिस्तान काजिन एक्सरसाइज जो भारत और कजाकिस्तान के बीच में होती है। एकता एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के बीच में होती है। और दोस्ती एक्सरसाइज भारत, श्रीलंका, मालदीव के बीच में होती है। कहाँ पर हुई, तो मालदीव में हुई है। ट्रिपलेट एक्सरसाइज भारत और तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच में होती है। कैटलेस एक्सरसाइज भारत और सेशल्स के बीच में होती है। कहाँ पर हुई, तो सेशल्स में हुई है। हरिमा एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच में हुई है। एक्वेरियन एक्सरसाइज भारत और मालदीव के बीच में हुई है। और भारत और मालदीव के बीच में एकता एक्सरसाइज भी होती है। थर्मोगोजन वीरगोजन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में DRDO ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया है, तो स्पेस केंद्र जिसका उद्घाटन जो है इडुक्की जिला केरल में किया गया है, DRDO द्वारा किया गया है। इसमें जो है सोनार सिस्टम लगा हुआ है, सोनार सिस्टम के परीक्षण व मूल्यांकन के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई है। सोनार की बात करते हैं, तो पानी में संचार का सिस्टम मतलब पनडुब्बियां जहाज में कम्युनिकेशन स्थापित करना सोनार कहलाता है। उसका फुल फॉर्म जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। सी स्पेस की बात करते हैं, तो पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म है जो कि ओवर द टॉप इसका फुल फॉर्म होता है।
और सी इस पे जो है सरकार का, केरल सरकार का पहला OTT प्लेटफॉर्म है। अटल सेतु की बात करते हैं तो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो कि मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है, 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भूपेन हजारिका पुल, झोला साडिया पुल ब्रिज भी कहते हैं इसे, यह असम में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ता है। केबल ब्रिज की बात करते हैं तो इसे सुदर्शन सेतु कहते हैं, गुजरात में स्थित है। IICG इंडियन इनोवेशन ग्राफिक सेंटर यह केरल में स्थित है, जो कि ग्रेफाइट की एक परत ग्रेफीन कहलाती है जो कि सबसे कठोरतम होती है। प्राइवेट मूल लैंडर कौन है तो ओडिसियस है, और यह कौन सी कंपनी का है तो इंटीग्रेटिव कंपनी का, अमेरिका की कंपनी है जो कि चांद पर लैंड करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी है। ओडिसियस इंटीग्रेटिव कंपनी है और इसका जो मून लैंडर कौन सा है तो ओडिसियस है। पहले वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश उज्जैन में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है तो 100 टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर्स और सबसे प्रभावशाली में सूचियों में अभिनेत्री जो है आलिया भट्ट को, आलिया भट्ट जी को शामिल किया गया, और जो गंगा जी शामिल है इसमें जो वर्ल्ड बैंक के हेड हैं, देव पटेल शामिल है जो कि स्लमडॉग के एक्टर हैं, और यूलिया नवलाया जो कि अलेक्सी नवलेनी की वाइफ है, और अलेक्सी नवलेनी कौन है तो जिनकी हत्या जेल में हो जाती है रूस में, ये पत्रकार थे अलेक्सी नवलेनी, और इनकी पत्नी यूलिया नवलाया जो कि 100 प्रभावशाली जो लोग हैं उनमें शामिल हैं, और साक्षी मलिक शामिल है जो कि कुश्ती के क्षेत्र से संबंधित है, साक्षी मलिक ये भी शामिल है। मीका की बात करते हैं तो AI CEO है, और इराह जो है AI फिल्म है, और डेविड कौन है तो AI इंजीनियर है अमेरिका का, और देविका कौन है तो AI इंजीनियर है भारत का, सोफिया कौन है तो AI ह्यूमनॉइड रोबोट है, और आयरिस AI टीचर है। अगला क्वेश्चन, हाल में विश्व विरासत दिवस 2024 का मनाया गया तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, और शुरुआत में हुई थी 1983 में, और वर्तमान की थीम क्या है तो विविधता की खोज और अनुभव करना, और यह जो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा और यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस में स्थित है, और इसकी कमेटी है विश्व धरोहर कमेटी जिसमें कि 45वें सत्र का आयोजन कहां पर हुआ तो रियाद सऊदी अरब में हुआ है 2023 में, और 46वें सत्र का आयोजन भारत में होगा 2024 में। जो 45वीं बैठक हुई है विश्व धरोहर की उसमें जो है भारत में 41वें नंबर की स्थान और 42वें नंबर के जो विश्व विरासत है उसको शामिल किया गया। 41वें नंबर कौन है तो शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, और जो कि स्थापना की गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, और 42वें जो विश्व धरोहर है वह कौन है तो हरिश्चंद्र मंदिर का समूह जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो भारत में कुल जो है 42 विश्व धरोहर है जिसमें कि 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, 1 जो है मिक्स है। 40वीं विश्व धरोहर कौन सी है तो धौलावीरा है जो कि गुजरात में स्थित है, और 39 नंबर के सामापा मंदिर जो कि तेलंगाना में स्थित है। अप्रैल की बात करते हैं, 19 अप्रैल को लीवर दिवस मनाया जाता है, 21 अप्रैल को सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को अर्थ दिवस मनाया जाता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है, 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती मनाई जाती है, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस हुआ था, और वैसाखी के दिन 17 अप्रैल को हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, नेशनल मैरिटाइम डे, और 6 अप्रैल को खेल दिवस मनाया जाता है शांति और विकास के लिए, 7 अप्रैल को मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस, और 9 अप्रैल को मनाया जाता है CRPF के शौर्य दिवस, 14 अप्रैल को मनाया जाता है भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती, और विश्व क्वांटम दिवस मनाया जाता है। 15वीं अमूर्त धरोहर कौन कौन सी है तो गरबा नृत्य है, 14वीं अमूर्त धरोहर कौन है तो दुर्गा पूजा है जो अभी हाल में शामिल हुई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने किस बैंक के बॉब वर्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया, तो बॉब वर्ड ऐप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंकिंग ऐप है जो कि बैन किया है RBI ने, इसके द्वारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 35A के द्वारा इसको जो पावर मिलती है RBI को कि किसी भी बैंक को बैन कर सकती है, कारण क्या है तो साइबर अटैक और घोटाला इसमें जो है इसका कारण है। RBI की बात करता तो जिसे जन घटन या शाही आयोग के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, और यह 1934 का एक्ट है, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसका पहले हेडक्वार्टर कोलकाता में था, और वर्तमान में इसका कोलकाता हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो मुंबई में है, और इसका जो लोगो है ताड़ का वृक्ष है, रॉयल बंगाल टाइगर इसका जो लोगो है, और इसका गवर्नर पहले गवर्नर ओसमान स्मिथ है, और स्वतंत्रता के बाद के पहले गवर्नर प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख है, और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो लता दीनानाथ अवार्ड जो कि 3rd नंबर का है अमिताभ बच्चन को इस बार जो है सम्मानित किया गया, और पहली बार किसे दिया गया है तो हमारे महान नेता
नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, और दूसरा जो है आशा भोसले जी को दिया गया, और तीसरे नंबर पे अमिताभ बच्चन, तीसरा जो लता दीनानाथ और मंगेशकर अवार्ड है वह अमिताभ बच्चन को जी को दिया जाएगा। और लता मंगेशकर जो कि इन्हें सर कोकला भी कहते हैं, 2001 में भारत रत्न मिला था। यह भारत रत्न की बात करते हैं 1954 में इसकी शुरुआत होती है। पहली बार 3 लोगों को दिया गया था, सीवी रमन, सरोजिनी और राजगोपालाचारी को दिया गया था। इसमें कोई इनामी राशि नहीं दी जाती है। विदेशी की बात करते हैं किस किस को मिला है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, नेल्सन मंडेला को जी को मिल चुका है। और पहले संगीतकार कौन हो तो एस सुब्बालक्ष्मी जी हैं, और एकमात्र क्रिकेटर कौन है तो सचिन तेंदुलकर जी हैं। मरण उपरांत किसे मिला तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला है। 2024 में 5 लोगों को मिल चुका है, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, राकेश आडवाणी और MS स्वामीनाथन जी, और PV नरसिम्हा राव जी को मिल चुका है। धन्यवाद।